संजय जी, ये तो जो आज आपने प्रचार में सब कुछ सुना है और ये जो मुखौटों की और डर की बात हो रही है, लेकिन इन सबके बीच आपका बड़ा टेक अवेज आज वोटिंग खत्म होने के बाद क्या है? 5 बजे तक 52.24% वोटिंग हुई है, क्या समझ में आ रहा है आपको? आज 71 सीटों पर चुनाव पर मतदान हुआ अंजना जी। अगर आप 2015 के चुनाव को देखें तो इन्हीं 71 सीटों पर तकरीबन 52% मतदान हुआ था, और उस साल 2015 के चुनाव में पूरे स्टेट में 56% मतदान था। अगर 2010 के चुनाव की बात करें तो इन्हीं 71 सीटों पर 50% मतदान हुआ था, जबकि पूरे स्टेट का एवरेज 52% था। एक ट्रेंड तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है, ये 71 सीटें ऐसी सीटें हैं जहां पे स्टेट का जो एवरेज टर्नआउट है उससे थोड़ा कम टर्नआउट होता है। अगर 5 बजे तक का आंकड़ा यह है कि 52% मतदान हुआ है, तो एक ट्रेंड तो बहुत साफ है कि पिछले 2 चुनावों की तुलना में इन चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर 5 बजे तक 52% थे तो 6 बजे तक ये जरूर 54, 55 या 56 भी हो सकता है। एक ट्रेंड हमने और भी देखा, ये जो पहले फेज की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां लोअर टर्नआउट है, दूसरी और तीसरे फेज में टर्नआउट हमेशा ज्यादा रहा है, 2010 के चुनाव में भी और 2015 के चुनाव में भी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2020 के चुनाव में भी, इन चुनाव में भी, सेकेंड फेज और थर्ड फेज में पहले फेज की तुलना में ज्यादा टर्नआउट होगा। तो ये जो एक धारणा बनी हुई थी या जो एक दुविधा बनी हुई थी कि कोरोना काल में क्या लोग वोट देने आएंगे, क्या युवा वोट देने आएंगे, क्या बुजुर्ग कोरोना की डर से घर के अंदर में रहेंगे, शहरी मतदाता आएगा या नहीं आएगा, मुझे लगता है इन सब प्रश्नों पर एक विराम लग रहा है। कम से कम फर्स्ट फेज की पोलिंग के जो प्रोविजनल आंकड़े आ रहे हैं उससे तो एक विराम लगता है कि नहीं, टर्नआउट बढ़ रहा है, लोगों का उत्साह है चुनाव में और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन चुनाव में भी। ठीक है, एक और धारणा है सर, जिस पर छोटा सा कमेंट आपसे, फिर मैं जाऊंगी राजनीतिक मेहमानों के पास, ज्यादा टर्नआउट होना और वो भी कोरोना के टाइम में। हालांकि बिहार में कई जगहों पर हम लोग जा रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, लेकिन इतना वोटर टर्नआउट ऐसे वक्त पर होना क्या संकेत देता है? 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश के साथ, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, कम से कम जेडीयू देखिए जो 71 सीटों पर है संजय जी आज भी वोटिंग, उनमें से 54 सीटें ऐसी हैं जो जेडीयू आरजेडी की केमिस्ट्री के साथ पिछली बार उन महागठबंधन की तरफ गई थी, लेकिन इस बार जेडीयू बीजेपी के पास है। इन तीनों पार्टियों के लगभग बराबर का वोट परसेंटेज यहां पर देखा गया है, जेडीयू जिधर जाए उसको फायदा होता है। ये ज्यादा वोटर टर्नआउट क्या कोई साइंटिफिकली प्रूवन बात कहता है? नहीं, कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है कि अगर हायर टर्नआउट है तो क्या उसको एंटी इनकम्बेंसी का मूड माने या प्रो इनकम्बेंसी का मूड माने। ये तो अभी 71 सीटों पर ही चुनाव हुए हैं। अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो बिहार में 15 बार विधानसभा के चुनाव हुए, 10 बार वोटर टर्नआउट बढ़ा, 3 बार वोटर टर्नआउट कम हुआ है और 2 बार बराबर बराबर रहा। 10 बार जब वोटर टर्नआउट बढ़ा उसमें 4 बार सरकारें दोबारा जीत करके आई और 6 बार सरकारें हार गई। 3 बार जब टर्नआउट घटा तो उसमें 1 बार ही सरकार दोबारा जीत करके आई और 2 बार सरकार हार गई। कोई सीधा सीधा पैटर्न दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कुल मिलाकर करके मुझे लगता है अगर ट्रेंड देखें तो ऐसा लगता है कि एक हायर टर्नआउट शायद जो राज्य की सरकार, जिस पार्टी की सरकार है, उसके लिए कोई बहुत शुभ संकेत नहीं देता है।